हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी का जो इंटरव्यू चल रहा है उसके बारे में। 29 नवंबर को जो इंटरव्यू हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 11 अंकों का IFSC कोड कहाँ छपा होता है। तो 11 अंकों का IFSC कोड कहाँ छपा होता है इसके बारे में बताना है। प्रत्येक बैंक के चेक पर IFSC कोड छपा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो 3 है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। इसके बाद देखिए, पूछा गया है उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में है। तो खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर में है। इसके बाद देखिए है अगला क्वेश्चन, वो है कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है आप जानते ही होंगे, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूछा गया है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर का नाम बताओ। तो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। इसके बाद है वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद जी हैं कानून मंत्री और इनके अंडर में ये भी है विधि एवं न्याय मंत्री। विधि में मतलब कानून मंत्री ही हो गए और न्याय मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री भी हैं मतलब IT डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूछा गया है यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। और यहाँ देखिए, पूछा गया विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। तो चीन के तर्ज पर की गई है, ठीक है। इसके बाद है कार और डीजल किसके उदाहरण हैं। तो कार और डीजल संयुक्त मांग के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश से होता है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जाता है। इसके बाद है ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस के बारे में बताना है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था, 1956 ईस्वी को जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है तो इसलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग सारे वीडियो मतलब कि एक बार ज़रूर देख लें और ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूट ना जाए क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। तो मांग लोच के आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। इसके बाद है पूछा गया STD की फुल फॉर्म क्या है। तो STD की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है। और इसके बाद है पूछा गया किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है तो कैसा त्रिभुज होगा। तो वह त्रिभुज अधिक कोण होगा, आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके। इसके बाद पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। औसत बताना है यहाँ पर 50.5 आया है। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। इसके बाद है पूछा गया कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ठीक। इसके बाद देखिए, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।